फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे। देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये सुबह के 5 बज रहे हैं और भूमि सर धो के नहा चुकी हैं और मंदिर में सफाई कर रही हैं और भगवान जी को भी नहलाएंगी धुलाएंगी। हमारे कान्हू भी उठ चुके हैं, यानी कि हमारे माखनलाल। और चलिए भाव्या से मिलवाते हैं। भाव्या क्या कर रही हैं? देखा भाभी सो रही है। भूमि यहाँ पर भगवान जी की पूजा वूजा कर रही है और कहते हैं मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैंने अभी नहीं नहाया है। और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा है, अभी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए मैं अभी खाना नहीं बना रही हूँ, मैं बगैर नहाए खाना नहीं बनाती हूँ। बस सब्जी की कटिंग करके रख लूँगी, आज आलू गोभी बनेगा और उसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ सब्जी काट के, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और इतने कपड़े ये रखे हैं शुक्ला जी के, ये मुझे धोने हैं, जैकेट वैकेट हैं ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। भूमि नहा के यहाँ से चली गई, सबके कपड़े हैं। अब मुझे कपड़े भी धोने हैं, मोटर चले तो पानी में ताज़ा भरूँगी नहाने के लिए, क्योंकि अब टंकी का पानी बहुत ठंडा हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े भी जो रखे हुए थे वो सब धुल लिए थे और मैं यहाँ किचन में नहाने के बाद आ चुकी हूँ। बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ, आपसे सब बात कर रही थी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बच्चों के टिफ़िन के लिए दाल पीस के रखी थी कि कुछ नाश्ता बना दूँगी। वैसे तो मैं पूड़ी सब्जी बनाने जा रही थी, लेकिन एंड टाइम पर बच्चों ने मना कर दिया कि पूड़ी सब्जी नहीं खाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा नाश्ता बना दिया था। और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच आप लोग किया करिए। ये देखिए इस तरीके से मैं ये रोल बना रही हूँ। आज मैंने चौकी का इस्तेमाल नहीं किया है, टॉप पे बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए पानी बॉयल होने के लिए रखा है, उसके ऊपर एक छन्नी है और इस तरफ चाय चढ़ी हुई है। इसको रोल को हमने देखिए जो दाल हमने पीसी थी ना उसको चारों तरफ फैला ली है। और इसमें आटे में मैंने नमक, अजवाइन और थोड़ा सा रिफाइंड डाला है। अब मैं इस रोल को इस तरीके से देखिए टाइट हाथों से हमें इसे फोल्ड करना है। चाय उबल गई मेरी। टाइट हाथों से हमें इसे फोल्ड करना है जिससे ये टाइट टाइट बने रहे, देखिए इस तरीके से। और इसको ऐसे हमें कर देना है और इसके किनारे हमें इस तरीके से बंद कर देने हैं। जब इस पानी में उबाल आ जाएगा तब हमें इसको इसके ऊपर रख देना है। ये हेल्दी भी है, आटे से बना हुआ है और चने की दाल है इसमें, तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा। देखिए देखिए सुबह से ही भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है, पूरे दिन की भाग दौड़ रहती है। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, सारे बिस्तर में मैंने फोल्ड किए हैं इस तरीके से। 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे से इस तरीके से मेरे सुबह की स्टार्टिंग होती है। 4:30, 5, कभी 5:30 तो होता ही नहीं है। लग गया है टिफिन, ये मैंने नाश्ता बनाया है इस तरीके से और ये बच्चों का बन चुका है। यहाँ पर आटे का है और हेल्दी भी है। फोल्ड करने के बाद मैंने बच्चों का नाश्ता भी बनाया, मैंने सुबह और वीडियो मेरी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ देखिए शाम के खाने की भी तैयारी हो रही है। पूरे दिन का रूटीन मैंने दिखाया लेकिन सही से मैं नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि बीच बीच में बहुत ऐसे काम होते हैं जहाँ पर मैं नहीं कैमरा शूट कर पाती हूँ कोई भी चीज़, तो माफ़ करिएगा। लेकिन मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए शाम की चाय भी है लेकिन अभी हम लोगों ने पी नहीं है क्योंकि हमारे शुक्ला जी नहीं आए थे। वीडियो का एंड, नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी और आप लोग देखेंगे नहीं। और वैसे मेरी इतनी छोटी वीडियो होती है आप लोग सही से देखते नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ मेरे फ्रेंड हैं यूट्यूब पे जो मुझे पूरी वीडियो मेरी वॉच करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझती भी हूँ कि वो लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, समझ तो आ जाता है। कितने लोग होते हैं कमेंट करके निकल जाते हैं, ये भी समझ आता है कि कमेंट करके वो लोग निकल गए हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं सच में वो वॉच करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट उसके बदले में पाएंगे, और सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी तो आपके लिए खड़ी हूँ। तो चलिए अब वीडियो का एंड करती हूँ, नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी और आप लोग देखोगे नहीं। और ये शाम को बज रहे हैं 6:30, तो मेरी तरफ से आप लोगों को शुभ रात्रि। रात तो होने रही लेकिन फिर भी मैं शुभ रात्रि कह रही हूँ। तो चलिए मिलूंगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।